जैसा कि पिछली दो कक्षाओं में हम समास पढ़ते आ रहे हैं और अब आज हम समास का नया भाग द्वंद समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास हमने पढ़ लिया है और आज हम द्वंद समास पढ़ने जा रहे हैं। द्वंद समास, द्वंद, द्वंद माने युद्ध और द्वंद का मतलब युद्ध जो होता है वो दो लोग बराबर के लोगों में होता है। द्वंद यानी कि इस समास की विशेषता है इसके दोनों ही पद यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही समान होते हैं, यानी समस्त पद के दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी इसमें दोनों ही पद बराबर होते हैं। जैसे माता और पिता दोनों ही पद क्या है, बराबर है, इसमें कोई पद प्रधान और छोटा नहीं है, दोनों ही पद प्रधान है। इसलिए द्वंद समाज की विशेषता है कि इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर यानी दोनों पदों को अलग अलग करने पर विग्रह करने पर इनके बीच और तथा या का प्रयोग किया जाता है। यानी द्वंद समाज में दोनों पदों को अलग अलग करने के लिए यानी समाज विग्रह करने के लिए और तथा या का प्रयोग किया जाता है, किंतु ज्यादा से ज्यादा हम और शब्द का इस्तेमाल इसमें करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण एक, माता पिता, इसमें देखिए दोनों ही पद क्या है, बराबर है, माता भी प्रधान है और पिता भी, यानी दोनों ही पद कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, माता पिता, तो ये हमारा द्वंद समाज है। ऐसे हम इसकी पहचान करेंगे कि दोनों ही पद हमारे बराबर होंगे, दोनों ही पद हमारे प्रधान होंगे। इसका विग्रह करने के लिए हमने देखा कि हम लगाएंगे और तथा या, तो हम यहाँ पर देखेंगे माता पिता, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे माता और पिता। उसी प्रकार से राधा कृष्ण का करेंगे तो हम लिखेंगे राधा और कृष्ण, रात दिन, रात और दिन, दाल रोटी, दाल और रोटी, या यहां हम या का इस्तेमाल करते हैं, दाल या रोटी, और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तब भी हमारा बिल्कुल सही होगा। वेद पुराण, वेद और पुराण। तो बच्चों हमने इसमें देखा, इसकी पहचान करने के लिए हम देखेंगे कि इसके जो दोनों ही पद हैं वो दोनों ही पद प्रधान होंगे और विग्रह करने पर बीच में इन दोनों के और तथा या का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे, ये समस्त पद है और ये इसका समास विग्रह है। और अब हम आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। हमारा अगला बिंदु है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जैसा कि हमने द्वंद समास में देखा था कि उसके दोनों ही पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, किंतु बहुव्रीहि में बिल्कुल इसका उल्टा है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, किंतु इसकी पहचान करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि पद प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद जो होता है वो अपने से अपने पदों से जो समस्त पद हम आता है हमारे पास वो अपने पदों से भिन्न कोई अन्य भिन्न अन्य संज्ञा का बोध कराता है। यानी कि जो समस्त पद हमारे पास होगा वो अपने से कोई भिन्न संज्ञा अर्थ हमें देगा। जैसे कि हमारे पास शब्द आया दशानन, वो दशानन शब्द में दोनों ही पद प्रधान नहीं है, न दश न आनंद, किंतु जो दशानन शब्द है वो अपने से भिन्न अर्थ दे रहा है। यानी कि दशानन नाम आते ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि ये किसके लिए आया है, रावण के लिए। यानी दशानन शब्द समस्त पद दशानन का अन्य संज्ञा अर्थ होगा रावण। तो ऐसे हम इसकी पहचान करेंगे बहुव्रीहि समास की। और इसमें विग्रह करने पर वाला, वाली, जिसका, जिसकी और जिससे शब्दों के माध्यम से हम इसमें बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखकर हम समझते हैं। जैसे कि इसमें आया है शब्द विषधर, विषधर शब्द अपने से भिन्न संज्ञा अर्थ दे रहा है,
यानी विष को धरने वाला कौन है? शंकर। यानी विषधर तो आया लेकिन ये अलग भिन्न अर्थ दे रहा है, यानी शंकर। तो इसका विग्रह करने के लिए हम करेंगे विषधर का, विष को धारण करने वाला। और हमने यहाँ देखा था कि वाला, वाली, जिसका, जिसकी और जिससे आदि शब्दों के माध्यम से हम विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर आया विषधर का, विष को धारण करने वाला, और भिन्न अर्थ क्या है? अर्थात शंकर। तो भिन्न अर्थ यहाँ पर आया शंकर। इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे और इस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा शब्द है गजानन। गजानन शब्द आते ही एक भिन्न अर्थ हमारे मस्तिष्क में आया कि किसके लिए आया है? गणेश के लिए। गज के समान आनंद, यानी मुख वाला गणेश, अर्थात गणेश। इस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे। हमारे पास शब्द आया दशानन। दश है आनंद जिसके, अर्थात राम। फिर हमारे पास शब्द है दशमुख। दश है मुख जिसके, अर्थात राम। तिरंगा, तीन रंगों वाला। और तीन रंगों वाला क्या है हमारे यहाँ? तिरंगा। और तिरंगा केवल क्या है? भारत का ही राष्ट्रध्वज है जिसका नाम हमने तिरंगा रखा है। तो तिरंगा नाम आते ही क्या क्लिक होता है? भारत का राष्ट्रध्वज। यानी जो ये शब्द है समस्त पद को अपने से भिन्न कोई संज्ञा अर्थ दे रहा है। तो तिरंगा का होगा तीन रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज। तो ये हमने बहुव्रीहि समास में देखा कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और इसमें समस्त पद अपने पदों से भिन्न कोई अन्य संज्ञा का अर्थ या बोध कराता है। और विग्रह करने पर वाला, वाली, जिसका, जिसकी और जिससे शब्दों के माध्यम से हम इसका विग्रह करते हैं। अगला हमारा समास का भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। अव्यय शब्द का अर्थ होता है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी जिसका कुछ भी खर्च ना हो। अव्यय, जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में, यानी किसी भी परिस्थिति में जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्याकरणीय कोटि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द ऐसे के ऐसे बने रहते हैं, जैसे आज, कल, तेज, धीरे धीरे, अरे, किंतु, पर, ताकि आदि, ये शब्द सब अव्यय के उदाहरण हैं। इन शब्दों में कभी भी इस्तेमाल होने पर इनको बदला नहीं जाता है। किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, काल, किसी भी परिस्थितियों में इनको बदला नहीं जाता। तो इन चीजों का प्रयोग जब अव्ययी भाव समास में होता है तो ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास की पहचान करने के लिए हमें देखना होगा कि इसका जो पहला पद होता है, यानी समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। और समास से जो शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, वो अव्यय होता है। अर्थात समस्त पद अव्यय रूप में होने के कारण, यानी जो समस्त पद है वो अपने आप में ही पूरा अव्यय होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी समस्त पद अव्यय होने के कारण इसे, इस समाज को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा जो पद होता है वो पूरा समास बनने के बाद पूरा ही पद, समस्त पद अव्यय कहलाता है। और इसीलिए ये जो भेद है ये अव्यय भाव समास के नाम से जाना जाता है। और अव्यय का अर्थ मैंने आपको बताया जिसका कुछ भी व्यय ना हो। और ये शब्द हैं आज, कल, तेज, धीरे धीरे, अरे, किंतु, पर, ताकि। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अब हम अव्यय भाव के कुछ उदाहरण देखेंगे। हमने ये देखा था कि अव्यय में पहला पद प्रधान होता है और जो समस्त पद होता है वो स्वयं ही अव्यय होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे शब्द देखा आसमुद्र। आ मैंने बताया था आपको शब्द क्या है? अव्यय है। आसमुद्र यानी समुद्र पर्यंत, समुद्र के पार तक। इसका विग्रह होगा समुद्र पर्यंत। आमरण, मरण पर्यंत, यानी मरण के बाद तक। और फिर है आजन्म, जन्म से लेकर, यानी पूरे जन्म, जन्म से लेकर। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा मति, मति के
अनुसार, आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। यहाँ पर बच्चों कई जगह हमने देखा कि कारक चिन्ह भी लगे हुए हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें क्या करना है एग्जाम में अव्यय भाव के कुछ उदाहरण आने पर क्या करना है। जैसे इसमें देखिए कई बार क्या होता है कि पहले पद में भी अव्यय का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संस्कृत में जो होता है वो पहला पद अव्यय होता है। देखिए प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रति सप्ताह, इस तरह से ये जो शब्द हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अव्यय हैं। प्रतिवर्ष, हर दिन, हर पल, इस तरह से ये शब्द हैं। भर पेट, पेट भरकर, यानी ये जो शब्द है समस्त पद ये अव्यय है। भरपूर, पूरा भरा हुआ, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। तो हमने इसमें जो उदाहरण देखे इसमें हमने देखा कि बीच में कुछ कारक चिन्हों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब यदि परीक्षा में कुछ ऐसे शब्द आए जिनके बीच कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप यदि ऐसे शब्द आएंगे जहाँ पर कि आप पहचान जाएंगे कि इसमें अव्यय शब्द जुड़ा है, और ऐसे शब्द आने पर और जिसमें खास करके कारक चिन्ह भी नहीं आएंगे, तब आप इसको अव्यय भाव समास कर सकते हैं। किंतु यदि ये शब्द आया आज्ञा के अनुसार, या ऐसा कोई शब्द आया जिसमें कारक चिन्ह है और आपको कहा कि आप उससे समास विग्रह कीजिए, तो आप इसमें कारक चिन्हों का, आपने शब्द में कारक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए इसका बनाया आज्ञा के अनुसार, आप यहाँ पर इसको तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। और आप यदि समझ गए कि ये शब्द आज्ञा अनुसार, समय अनुसार, कार्य अनुसार, यानी कि ये शब्द यहाँ पर अनुसार क्या है, अव्यय, तो आपने अगर देख लिया और समझ लिया कि ये अव्यय भाव भी हो सकता है, तो आप इसको अव्यय भाव भी कर सकते हैं। और यदि आप इसको तत्पुरुष करके आए तब भी ये आपका सही होगा, किंतु यहाँ नहीं आप इसको कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये अव्यय जुड़ा हुआ है और आपने इसको पहचान भी लिया है, क्योंकि तत्पुरुष आप तभी लिख सकते हैं जब उसमें बीच में कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे हर वर्ष, हर दिन, हर पल, इनमें कहीं भी नहीं है, इसलिए आप इसको अव्यय भाव समास ही करेंगे। ये देखेंगे ये हमारे समास पूरे हो गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो कि कर्मधारय भी है और द्विगु भी है, तो हम एग्जाम में ऐसा क्या क्या करें कि हमारा जो आंसर है वो ठीक हो। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि भी है और हमारे अव्यय भाव समास में भी आ रहे हैं, या अव्यय भाव भी है और तत्पुरुष भी है। इसके लिए हम आगे कुछ उदाहरण देखेंगे, उससे समझेंगे कि हमें एग्जाम में इसके लिए क्या करना है। बच्चों यहाँ कुछ उदाहरणों से हम देखेंगे कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि भी है और द्विगु भी है, कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, कुछ ऐसे हैं जो तत्पुरुष भी है और अव्यय भाव भी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे पास शब्द है दशानन, अब इसके हम दोनों बना सकते हैं दश आननों का समूह। यहाँ पर ये द्विगु है क्योंकि वहां पर द्विगु में हमने देखा था कि काउंटिंग पहला पद संख्या और दूसरा किसी समूह का बोध कराता है, तो हो गया दश आननों का समूह, तो ये हमारा हो गया द्विगु समान। लेकिन दशानन का हम कर्मधारय बहुव्रीहि भी बना सकते हैं, दश है आनन जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुव्रीहि हो गया। तो इस तरह कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो दो में समासों में आते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है देखेंगे। आज्ञा के अनुसार में हम इसको अव्यय भाव भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि भी कर सकते हैं, आज्ञा के अनुसार, और आज्ञा अनुसार लगा हुआ इसलिए अव्यय भी हो सकता है, और आपने कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया आज्ञा के अनुसार, तो आप इसको तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। अगला है देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर, तो ये बहुव्रीहि हो गया, नीला है जो कंठ अर्थात ये कर्मधारय होगा क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से चारपाई, चार पायों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास क्योंकि यहाँ काउंटिंग में और समूह की बात बताई जा रही है, और चार पाए हैं जिसके अर्थात चारपाई या खाट, तो ये बहुव्रीहि हो गया। वही देखिए त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, तो हो गया द्विगु, और तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शंकर, हो गया बहुव्रीहि। तो ऐसी स्थिति में जब शब्द हमें हमारे दो दो समासों में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम एग्जाम में क्या करें। जब हमारे पास एग्जाम में समस्त पद आएगा शब्द का और हमें ऐसा शब्द आएगा जो दो दो में है, तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें अपने विभाग पर सबसे पहले हमें हमारे पास शब्द आया उसका हमने विग्रह किया, हमने विग्रह किस तरह से किया उस पर डिपेंड करता है कि हम उसमें समास का नाम क्या लिखेंगे।
जैसे कि हमारे पास मान लो शब्द आया चारपाई एग्जाम में और आपने इसको पहचान लिया कि चारपाई है, काउंटिंग है और समूह की बात आ रही है, तो आप इसका समझ के आपने चारपाई समझ लिया और जान लिया कि द्विगु है, तो आप इसका करेंगे चार पायों का समूह। और अगर आपने इसका करा चार पायों का समूह तो आप इसमें समास का नाम द्विगु ही लिख कर आएंगे, तभी उस कंडीशन में आपको नंबर मिलेंगे। और यदि आपने लिखा कि चार है पाए जिसके, अर्थात चार पाई या खाट, तो आप इसका करके आएंगे बहुग्री, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा, एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आएंगे। पहले आएगा यहाँ पर समस्त पद, समस्त पद आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका विग्रह कीजिए। और समास का नाम लिखिए। तो आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे एग्जाम में काम करते समय, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको उतारेंगे यानी समस्त पद उतारेंगे, फिर उसका समास विग्रह करेंगे और फिर यहाँ पर समास का नाम लिखेंगे। अपनी कॉपी में भी आप इसी तरह से करेंगे। जैसे मैंने यहाँ शब्द दिया आपको चारपाई, तो आप यहाँ पर इसका विग्रह करके लिखेंगे और यहाँ पर समास का नाम लिखेंगे द्विगु समास, या अगर आपने बहुव्रीहि किया है तो वो, यानी आपको समास का नाम भी ढंग से लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में 10th क्लास में ये चार नंबर का आएगा, जिसमें दो तो आएंगे समस्त पद से विग्रह करना और दो आएंगे विग्रह देंगे, और विग्रह से आपको समस्त पद बनाना होगा, लेकिन चारों में ही समास का नाम तो लिखना ही है। तो इस तरह से बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊपर ऊपर समस्त पद, फिर आप हेडिंग डालेंगे समास विग्रह, और फिर आप हेडिंग डालेंगे समास का नाम, फिर आप इसके एग्जाम्पल उतारेंगे समस्त पद के, कुछ एग्जाम्पल उतारेंगे हर समास से, फिर उसका विग्रह करेंगे और इधर कॉर्नर पर थर्ड नंबर पर आप समास का नाम लिखेंगे पहचान के। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।